आजमगढ़ के विधानसभा में नगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चौपाल बैठक ग्राम सभा माहौली में 25 जून 2023 को की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष आजमगढ़ धर्मेंद्र राजभर रहे। यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष धीरज राजभर के अध्यक्षता में की गई थी। इस मौके पर प्रदेश महासचिव संजय राजभर, जिला प्रमुख महासचिव जमुना चौहान, तरवा ब्लॉक अध्यक्ष सोनू राजभर, जिला उपाध्यक्ष जनार्दन राजभर, प्रमुख महासचिव प्रमोद राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आज विधानसभा में नगर की बैठक ग्राम सभा माहौली में ये रखी गई है। 2024 लोकसभा का चुनाव, इसी के संबंध में हम लोग ग्राम सभा की बैठक, यह सेक्टरवार विधानसभा में सेक्टर और बूथ की यह बैठक किया जाएगा। 8 बूथ को मिलाकर के एक सेक्टर बनाया जाएगा, 3 सेक्टर को मिलाकर के एक जोन बनाया जाएगा। इसकी बैठक हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष अपने अपने सेक्टर में करेंगे और हर कार्यकर्ता को 3 गाँव आज से चयनित करके कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा कि अपने बगल के ही ग्राम सभा में 3 गांव का बूथ का गठन करें। 10 महिला, 10 पुरुष, 10 युवा की एक कमेटी लोग बनाएं। आज हम लोग ग्राम सभा की बैठक करके ग्राम सभा वासियों को यह सूचना देना चाहते हैं, 2024 में जब नेताजी सरकार में, केंद्र की सरकार में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में यह अपनी बात केंद्र सरकार में रखेंगे कि बिजली की बिल और शराब बंद उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, जिसी तर्ज पे जैसे गुजरात और बिहार में बंद है। उसी के संबंध में हम लोग गांव-गांव यह बैठक करके सबको सूचित कर रहे हैं कि आप लोग नाराज चल रहे हैं।